हमें तो बस एक पढ़ी लिखी बच्ची चाहिए अपने बेटे के लिए, इससे ज्यादा हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। आपकी बेटी हमें पसंद है और फिर आप इतने अच्छे लोग हैं। आपने उनका घर बार देखा? शहवार कभी भी नहीं रह सकती वहां पर। और सच्ची बात है, मुझे तो उनके घर का माहौल कुछ और तरह का ही लगा। बेटा, तुम्हारी अम्मी को कुछ इतराजात हैं इस बारे में, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि शादी के मामले में लड़के का शरीफ होना ज्यादा अहम है बनिस्बत घर के बड़े होने के। लड़के की मुलाजिमत अच्छी है, लड़का लायक है, तरक्की करेगा, बाकी चीजें तो वक्त के साथ साथ बेटा मिल जाया करती है। अबा, अगर आपकी और अम्मी की मर्जी है तो मुझे फिर कोई एतराज नहीं। अच्छे मशागिल हैं आपके, मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ, म्यूजिक भी सुनता हूँ। कौन सी बुक्स पसंद करती हैं आप? फिक्शन। और मैं फिक्शन के अलावा सब कुछ पढ़ता हूँ। मेरी गुड़िया, आज तुम जिस घर में जा रही हो ना, अब अपने उस नए घर को अपने माँ बाप के घर से ज्यादा अहमियत देना। हमेशा मुश्किल मरहलों में मंसूर के साथ रहे, उसको कभी तन्हा ना छोड़ना, उसे हिम्मत देना, उसका सहारा देना। और कोशिश करना कि कभी उस पर बोझ ना। कहाँ से लाई हो? लाहौर से लेकर आई। हाँ, इतनी दूर से लाने की क्या जरूरत? अपने शहर में लड़कियों की कमी थी क्या? और हाँ, तुमने तो मुझे बताया था कि तुमने हबीब साहब की बेटी से मंसूर का रिश्ता तय कर दिया था। रिश्ता थोड़ी तय किया था, वो तो बस बात की थी। बाद में पता चला कि बड़े तेज लोग थे। मगर मैंने तो सुना था कि मंसूर की मर्जी थी वहाँ। नहीं, मर्जी कहाँ थी, वो तो बस उसका बाप कर्नल था, तो उनके घर आते जाते उसने लड़की को देखा था। और शायद मंसूर इसलिए भी जा रहा होगा कि आर्मी के लोग थे, आर्मी की फैमिली थी उनकी। अच्छा, लगता है बड़े अमीर घराने से ताल्लुक है वो उनका। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खाते पीते लोग हैं, बाप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अच्छा, सब अच्छे होतों पर है। लाहौर में बहुत बड़ा घर है इनका। हाँ भाई, जहेज देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि खाते पीते लोग, खाते पीते घराने की लड़की इस घर में गुजारा कैसे करेगी? वो तो मंसूर के साथ ही रहेगी ना माँ। क्यों, मंसूर भला क्यों लेकर जाएगा, यही रहेगी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मामू, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, सोच रहा था एक आध दिन के लिए चक्कर लगा लेते तुम। अरे मामू, जरूर हाजिर होता, बस काम बहुत ज्यादा है, और फिर वीकेंड पे शंदाना भी तो वापस आ ही रही है। शंदाना ने तो एक हफ्ते के लिए स्टे बढ़ा लिया है, तुम्हें नहीं बताया उसने? अरे नहीं मामू, उसने जरूरत ही नहीं समझी होगी, आप तो जानते हैं शंदाना को अपनी मर्जी की मालिक है, ना इन्फॉर्म करती है ना बताती। इसीलिए तो कहता हूँ एक आध दिन के लिए आ जाते, शंदाना भी नाराज है तुमसे, भैया बैठते झगड़े उगड़े खत्म करते अपने। देखिए मामू, मेरा तो उसके साथ कोई झगड़ा नहीं है, अगर उसे कोई इशू है
तो क्या कर सकता हूँ मैं? तो आ क्यों नहीं जाते हो एक आध दिन के लिए? कोशिश करता हूँ मामू, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अब पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। तुम किस चीज को अवॉइड कर रहे हो? मैं किसी चीज को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ मामू, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि काम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ऑफिस के सारे मसाइल छोड़कर मैं घरेलू मसले सुलझाने दूसरे शहर चला जाऊं, doesn't make sense। जहां तक ऑफिस की मसरूफियात का ताल्लुक है तो सभी मसरूफ हैं। तुम वाहिद मर्द नहीं हो जो काम कर रहे हो। दूसरे शहर की बात तो शादी के लिए दूसरे शहर आ सकते हो, तो घर के मामला सुलझाने के लिए नहीं आ सकते? देखिए मामू, अगर शंदाना को इतना मसला था तो वो आप लोगों को यहाँ बुला लेते। अपने माँ बाप के घर में जाकर पंडोरा बॉक्स खोलने का क्या तुम बनता है? अब वो माँ बाप से डिस्कस न करे तो किससे डिस्कस करे? मामू, शिंदाना कोई बच्ची नहीं है और हमारी शादी को साल नहीं हुआ, 8 साल गुजर गए हैं। सब कुछ आपके सामने है मामू। देखिए, अगर शिंदाना ने अपने माँ बाप को इस चीज में इन्वॉल्व किया है तो फिर मुझे मजबूरन अपने माँ बाप को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके माँ बाप बीच में आएंगे तो फिर तुम्हारे माँ बाप को भी बीच में मैं लाऊंगा। मैं आज ही फजीला से बात करता हूँ। सोफी, सोफिया, दिखा बेटा क्या बनाया है। का ना मैं देखूं मेरी जान ने क्या बनाया। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल सोफी। ये तो बहुत प्यारा बनाया मेरी जान ने। सोफिया और डैडी है ना, लवली। सोफी, क्या बात है मेरी जान? क्या हुआ? नानो, आई हैव टू टेल यू समथिंग। क्या? मम्मी इज नॉट टॉकिंग टू मी। क्यों? बिकॉज़ शी इज हंग्री विद मी। व्हाई? आई डोंट नो। सोफिया, व्हाई डू यू से दैट बेटा? हो सकता है कि आपने कोई ऐसी बात की हो, ऐसी हरकत की हो जिस वजह से आपकी मम्मी आपसे नाराज हो गई। Maybe. सोफी, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। कम है। देखो बेटा, आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो मम्मी को बुरी लगे, और मम्मी को सॉरी भी कहना चाहिए। No? कहना चाहिए ना सॉरी। मंसूर भाई, मैं हैदर से बात करती हूँ। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि उनके दरमियान कोई मसला है। मैं 4-5 महीने तो पहले उनके पास रह के आई हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक थे। ये 4-5 महीनों में क्या मसला हो गया, मैं पूछती हूँ उससे। जो कुछ भी हुआ है हैदर की वजह से हुआ है। तुम्हारे बेटे ने परवाह नहीं की मेरी बेटी की। अरे उसने कदर ही नहीं की मेरी बेटी की। ऐसे नहीं कहते बेटा। I think your mommy really loves you. बस होता ये है कि सोफी जब बात नहीं मानती ना तो मम्मी नाराज हो जाती। जिस दिन सोफी सारी बातें मानेगी ना मम्मी की, मम्मी will love सोफी। होगी कभी खुश मगर अब नहीं है। उसकी दिन ब दिन सेहत खराब होती जा रही है। मैंने उसे इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे बेटे हैदर ने जिस तरह मुझसे बात की है मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे उसने मेरी इज्जत नहीं की तो मेरी बेटी की क्या करेगा? Now don't be sad. ये dark blue है, ये navy blue है और ये white paint. और इसके साथ मिलके ऐसे बना रही हूँ sky. अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो आपसे माफी मांगेगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उससे कहो यहाँ आए, सीधी तरह शंदाना के साथ जो भी घरेलू मसले हैं वो हल करे। मैं उससे बात करती हूँ, पूछती हूँ कि अब क्या शुरू हो गया? अच्छे भले थे, अब ऐसा क्या हो गया? और मैं चाहता हूँ तुम भी उसके साथ हो ताकि जो बात हो तुम्हारे सामने हो। मंसूर भाई, मुझे उससे बात करनी थी। हो सकता है इस तरह बैठने की जरूरत ही पेश ना आए। आपको नहीं पता इसने क्या किया मेरे साथ मामी। जो जो बातें मैं आपसे करती रही हूँ ना, ये जाके अपने बाप को बताती आई।
इसलिए तो मैंने तुम्हें मना किया था कि सोफिया के सामने हैदर की कोई बात ना करो। हैदर ने कहा होगा सोफिया को जासूसी करने के लिए कि जो बात मैं आपसे करूं जाके बाप को रिपोर्ट करें। हैदर ऐसा क्यों करेगा बेटा? वैसे भी तुम्हें बच्चों की साइकी को समझना चाहिए। बच्चे सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं, और सोफिया भी बहुत ही हसास बच्ची है। उसे अच्छा नहीं लगा होगा ना जब तुमने इस तरह की बातें की उसकी बाप के बारे में। That's why I think I'm wasting my life, Mom. मैं कुछ भी कर लूँ ना, मैं ना सोफिया को खुश रख सकती हूँ ना उसके बाप को। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरे अपने घर में ना मेरे खिलाफ एक महाज खुला हुआ है। शंदाना तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? कोई ना कोई वजह होगी तो ऐसे सोचती हूँ ना मम्मी, कोई ना कोई मजबूरी। आप कभी इस सिचुएशन से गुजरी हो तो आपको पता चले ना। शुक्रिया अभी। शंदाना क्या तुम जानती हो कि मुझे जिंदगी में कभी भी कुछ परफेक्ट नहीं मिला। बहुत साल लग गए मुझे चीजें ठीक करते करते। क्या ठीक करना पड़ा है आपको मम्मी? क्या ठीक करना पड़ा आपको? एंड आई डोंट बिलीव दिस व्हेन यू से कि हैदर पापा से बेहतर शौहर है। मैंने देखा है पापा को कैसे चाहते थे वो हम सबको, आपको कैसे जान छिड़कते थे अपनी हम सब पे, और हम सबसे ज्यादा ना आपकी परवाह करते थे। वो ही रियली केयर्स अबाउट यू। एंड आई हैव ऑलवेज एनवीड यू फॉर दैट। ये जो केयर तुम देख रही हो ना बेटा, इस केयर से पहले बहुत साल मैंने ख्याल रखा है, और ये सब वन साइडेड था, सालों वन साइडेड था बेटा। मर्द को शायद ख्याल रखना आता ही नहीं, वो केयर को भी आदत की तरह सीखता है और आदत की तरह ही करता चला जाता है। फिर भी मम्मी, आप हैदर और पापा को एक साथ नहीं खड़ा कर सकती। हाँ बेटा, तुम ये कभी एडमिट नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे पापा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, है ना? तुम पापा की बेटी हो, जैसे सोफिया हैदर की बेटी है। क्या शिकायतें थी आपकी उनसे? छोड़ो, बहुत वक्त गुजर गया है, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा। फिर कभी सही। ओह, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मुझे तो हमीद को बताना था कि आज वो क्या पकाएगा। मैं जरा उसे बता के आती हूँ। देखिए मामी, मैंने मामू से कोई बदतमीजी नहीं की है। अगर वो ये सब कुछ कह रहे हैं आपसे तो वो गलत कह रहे हैं। मंसूर भाई को गलत बयान करने की क्या जरूरत है? मुझे क्या मालूम, आप खुद ही पूछिए उनसे। हैदर, मंसूर भाई बहुत परेशान लग रहे थे। अगर मामू परेशान है तो मैं परेशान नहीं हूँ क्या? मैं सोच भी नहीं सकता था हैदर मुझसे इस तरह बात करेगा।
दामाद होने के हवाले से ना सही भांजा होने का ख्याल तो करता। ऑफिस में होगा, दफ्तर की 100 परेशानियां होती हैं, शायद इसी वजह से आपसे इस तरह बात कर ली उसने। अच्छा आप रहने दीजिए ना, उसकी बातों को दिल पे मत लगाइए। ऑफिस में था या नहीं था इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। जब मैंने उसे यहाँ बुलाया था तो उसे आना चाहिए था। यहाँ क्या तकलीफ थी उसे? बीवी है, बच्ची है, उसकी फैमिली है, मगर उसे परवाह नहीं है। मैंने ऐसा गैर जिम्मेदार इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने देखा? हाँ मैंने देखा है। वैसे मामू को आपको बिल्कुल फोन नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं लगी है ये बात अच्छी। ये मेरा और शंदाना का पर्सनल मामला है, इसमें दोनों खानदानों को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत पड़ी थी? और अगर उसने ऐसा किया है तो ये सारा कसूर उसका है। वैसे भी उसको हर बात बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत है। उसने डेफिनेटली मामू और मामानी को एग्जैजरेट करके बताया होगा सब कुछ। सिर्फ उसका कसूर नहीं, तुम्हारा भी कसूर है। तुमने बीवी को जरूरत से ज्यादा सर पर चढ़ा रखा था, हर वक्त चंदाना चंदाना करते रहते थे। अब भुगतो। अरे मम्मी, अगर मुझे सर पे चढ़ाना आता है ना तो सर से उतारना भी आता है। किसकी बात कर रही हो? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो और बात थी। हाँ वो और बात थी, क्योंकि मैं किसी और की बेटी थी। और ये और बात है क्योंकि शंदाना आपकी बेटी है ना मंसूर? इंसान से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। यही तो मैं भी कह रही हूं, इंसान से बहुत सारी गलतियां हो जाती। और हैदर भी एक इंसान ही है। हेलो। हेलो, आज आप इस वक्त वॉक कर रही हैं? मार्केट गई हुई थी कुछ चीजें लेने। आप क्या कर रही हैं? बस कुछ भी नहीं, घर बैठे बैठे अपसेट हो रही थी। अपसेट? हाँ वो पेरेंट्स को मिस कर रही हूँ। होम सेक? हाँ कुछ नहीं होता, कुछ दिनों में आपका हनीमून खत्म हो जाएगा, फिर आप वापस चली जाएंगी। ससुराल कहाँ है आपका? इस्लामाबाद में। अच्छा और मैं कहाँ? वो भी इस्लामाबाद में। हाँ तो फिर क्या मसला है? मसला था तो नहीं लेकिन नजर आने लगा है। हिम्मत कितनी जल्दी बदल जाते हैं ना। क्या हुआ? मैंने हसन को अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करते हुए पकड़ा। हो सकता है गलत फहमी हुई हो। नहीं गलत फहमी नहीं है, मेरे हसन के मोबाइल पे उसकी गर्लफ्रेंड के मैसेज पड़े हैं, और सिर्फ उसी के नहीं और कई लड़कियों के मैसेज पड़े हैं। इस बात पे हमारा झगड़ा हुआ था। And he shouted at me. Can you believe it? He shouted at me. 17 दिन पहले हमारी शादी हुई थी। And वो अभी से इतना रूड हो गया। तुम्हें उसके मैसेजेस नहीं पढ़ने चाहिए थे ना? पर क्यों ना देखो मैं उसके सेलफोन में? मैं उसकी बीवी हूँ, वो भी मेरे सेलफोन में देखता है। मैं तो मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं है उसकी तरह। प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है शादी के बाद भी। प्राइवेसी अच्छी चीज है, इससे आपका शोहर अपनी गर्लफ्रेंड को छुपा सकता है। 2 दिन पहले तक मुझे मोहब्बत जता रहा था। आपका क्या ख्याल है कि मैं भूल जाऊंगी कि हमारे हनीमून पे हसन अपनी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पे बात कर रहा था, उसको टेक्स्ट कर रहा था, और वो उल्टा मुझ पे गुस्सा कर रहा है? शादी का सफर इतना आसान नहीं होता। तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगी। छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता। हैदर ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है ये वाला? हम्म, तो जमुल है। कैलिफोर्निया वाला? जी बहुत क्यूट है। दो बच्चों का बाप है।
मैं कोकी के लिए देख रही थी भाई। ये तुम औरतों की कितनी चीप मेंटालिटी है। चीप क्यों? अपनी शादी की तस्वीरें देखो, दूसरों के रिश्ते करवाने चल पड़ी हो तुम। तुम हर तस्वीर में इतने सीरियस क्यों लग रहे हो हैदर? मुझे उम्र कैद मिल रही थी और मैं दंडियां निकालता। ये उम्र कैद है? बामशक्कत। तुम्हारे लिए उम्र कैद है या मेरे लिए उम्र कैद है? तुम्हारे लिए कहां से उम्र कैद है, तुम्हें तो शादी के बाद ज्यादा आजादी मिली। बड़ी आजादी मिल गई है भाई। जब चाहे मैं घर का काम कर सकती हूँ, जब चाहे मैं बाहर का काम कर सकती हूँ, जब मर्जी शोहर की बुड़बुड़ सुन सकती हूँ, जब मर्जी बच्चों को होमवर्क करा सकती हूँ। पुराने दौर की औरत नहीं हो तुम, आज के दौर की औरत हो जो अपने शोहर का हशर कर देती है। बड़ा तजर्बा है तुम्हें। चलो नहीं है तो जाएगा, इंसान अपने माहौल से ही सीखता है ना यार। तुम्हारे माहौल से तो यही सीख सकता है ना इंसान। एंटी वुमेन, एंटी मैरिज, एंटी वुमेन वर्किंग। सीरियल खाओ अपना चुप करके बस। अरे और भी बहुत सी जगहें हैं घूमने फिरने की, अब जरूरी नहीं है कि इंसान मुंह उठाए और मरी चला आए। और भी जगहों पे घूम। अच्छा बाबा आ जाए करेंगे यहाँ, अगर इतनी छुट्टियां मिली तो मैनेज कर लेंगे ना। कुछ मैं कर लूंगी, कुछ तुम कर लेना। क्या मतलब, तुमने पक्का इरादा कर लिया शादी के बाद जॉब करने का? हाँ, घर बैठ के क्या करूंगी, पागल हो जाऊंगी। वैसे भी इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा पैकेज है, सेविंग्स ही हो जाएंगी। लेकिन डोंट यू थिंक सो कि इस तरह घर और फैमिली लाइफ दोनों इफेक्ट होते हैं? क्यों, फैमिली लाइफ घर की लाइफ क्यों इफेक्ट होगी? मेड है ये हमारे पास, तुम्हारे ऑफिस आने से पहले पहले ना मैं घर आ जाया करूंगी और खाना बना लिया करूंगी। प्लीज इतने टिपिकल जॉर्ड ना बनो, कभी कभार बना लिया करूंगी लेकिन दो टाइम का खाना मैं नहीं बना सकती। हाँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप बीवियां अपने शौहरों के लिए खुद अपने हाथ से खाना बनाए तो। उन बीवियों की हालत भी देखो जरा जाके, अदरक लहसुन की बुएं आ रही होती है उनके कपड़ों में से। अरे यार तुम पढ़ी लिखी हो, खुद को मेंटेन कर सकती हो। मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ हैदर, ये हांडी रोटी नहीं होगी मुझसे। इतना पढ़ लिख के मैं हांडी रोटी करूंगी? अच्छा 10-12 हजार रुपए मैंने अच्छा सा खनसामा रखे। वैसे भी इसे 6 गुना ज्यादा तो मैं कमाती हूँ। हाँ लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम खुद खाना बनाओ और टेबल लगाओ। अब मम्मी को देख लो, वो पापा के लिए आज तक खुद खाना बनाती है, एंड इवन योर ओन मदर। रिफत साहब आए, भाग के जाओ जल्दी करो, जल्दी करें ना, कितनी देर लगेगी आपको, जल्दी जल्दी करें। ये देखे सामने से मुझे टेढ़ा नजर आ रहा है, इसको इसको सीधा करें जरा, इसको इसको सीधा करें। ये क्या हो रहा है? नए पर्दे, अच्छे लग रहे हैं ना? पहले वाले बिल्कुल ठीक थे। सारे गल गए थे, बिल्कुल ठीक नहीं था। I had to change them। खाम खाकी फजूल खर्ची है ये। मैंने अपने पे में से पैसे दिए, फजूल खर्ची कैसे? वैसे एक बात है, हमारी शादी को इतने दिन गुजर गए, अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई। Credit goes to me. Excuse me. The credit goes to me. The credit goes to me, not to you. तुम और झगड़ा ना करो, please. ये मेरी वजह से लड़ाई नहीं होती। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। तुम्हारा कमाल सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हें मौका ही नहीं दिया, वरना तुम कोई मौका अपने हाथ से जाने ही नहीं देती। मौका नहीं दिया? इतने मौके दिए, मैं गिनवाऊं तुम्हें मौके? उस दिन तुम बाजार गए, 2 घंटे के लिए गए हुए थे मुझे बताए बगैर, और मैं फोन कर करके पागल हो गई थी। फोन ऑफ। अरे यार बाजार गया था, वो किसी वजह से देर हो गई होगी। रही बात फोन की, तो वो ऑफ हो गया होगा, मुझे ऑन करना याद नहीं रहा। अब कोई पागल ही होगा जो इस बात के ऊपर लड़ेगा यार। अब मैं इस बात का बुरा मनाऊं? ये पागल का लफ्ज इस्तेमाल करने पे, मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो वैसे अरे छोड़। समझ आई ना कि मैं कैसे इस बात को बुरा बना सकती हूँ? रहने दो, इससे तो फिर हमारी हर दूसरी बात पे लड़ाई होगी, चाहे हम लड़ना चाहें या ना लड़ना चाहें। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, credit goes to me। जो तुम्हारे कहने का मतलब ये है
कि औरतों को लड़ने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। मैंने ये कब कहा? ये अभी तुमने दो मिसालें देकर साबित किया है। क्या साबित किया है मैंने? क्या साबित किया? एक बात है कि दो हफ्तों में एक चीज की तो मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गई। क्या? कि औरतें होती बड़ी चालाक हैं। और खुदा की कसम सच कह रहा हूं, हम चालाक होती हैं और मर्द कुछ नहीं होते। नहीं, हम भी होते हैं। क्या? बेवकूफ। ये तुम क्या कर रही हो? पैसे निकाल रही हूँ, चेंज चाहिए मुझे। अरे यार, कम से कम मुझसे पूछ तो ले। बाहर अखबार वाला खड़ा है, उसको मैंने बिल देना है। शादी का मतलब हर किसी से नहीं होता है कि बीवी हर वक्त शौहर के वॉलेट में झांकती फिरे। हैदर, मुझे आदत नहीं है ओके तुम्हारे वॉलेट में झांकने की। मैं खुद कमाती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की। अगर कमाती हो तो जताया मत करो। जता नहीं रही, बता रही हूँ। मैंने तुम्हें नौकरी के लिए नहीं कहा। बता रही हूँ, मैं जता नहीं रही, मैं बता रही हूँ। कीप योर फिंगर डाउन। यू सो रूड हैदर, यू सो रूड। बोलती रहो, क्या छुपाया हुआ तुमने अपने वॉलेट में? हाँ, मैं भी अपना वॉलेट नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। ओके, आई ऑल्सो वॉन्ट शो यू माई वॉलेट एवर। सॉरी, वो थोड़ी सी देर हो गई। ये तुम्हारे आने का टाइम है? घड़ी देखी है तुमने? हाँ देखी है यार, कोई इतना टाइम थोड़ी हुआ है। और फिर कौन सी, कोई सड़कों में ट्रैफिक बंद हो गई है? ट्रैफिक नहीं बंद होती, इंसान को खुद कुछ एहसास जिम्मेदारी होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं घर पे अकेली बैठी हूँ, तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे हो, दोस्तों के साथ आवारा फिर रहे हो। इट्स अ बिट मच। जंगल में तो नहीं बैठी हुई हो तुम, माशाल्लाह अपने ही घर में बैठी हुई हो। और मैं कौन सा कोई रोज जाता हूँ दोस्तों की तरफ, अगर महीने दो महीने के बाद चला गया हूँ तो कौन सी कोई कयामत आ गई है जो इतना बड़ा हंगामा? एक्सक्यूज मी, हंगामा? तुमने मुझे कहा था कि तुम 10 बजे वापस आओगे, 1:30 बज रहे हैं रात के, और तुम कह रहे हो मैं हंगामा कर रही हूँ। मैं पूछ भी नहीं सकती हूँ तुमसे। मैंने जब बोल दिया था कि मैं आ जाऊंगा वापस घर, तो फिर बार बार फोन करने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो सारे बैठ के मेरा मजाक। आई डोंट केयर। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें घर कितने बजे वापस आना चाहिए, तुम्हें एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए। यू आर नॉट सिंगल एनी मोर हैदर, यू आर मैरिड। You're married now. Hello. सुन रहा हूँ। तुम्हें कैसे लगता अगर मैं रात के 1:30 बजे अपनी सहेलियों के साथ आवारा फिर रही होती? कैसे लगता तुम्हें? हाँ, I'm expecting Heather. हाँ तो क्या हो गया यार? You're not the only one who is expecting यार. सारी दुनिया की औरतें expect करती हैं। ये तुम कह रहे हो? Seriously? ये तुम कह रहे हो? देखो शंदाना, अगर तुम ये एक्सपेक्ट करती हो कि मैं मरीदों की तरह तुम्हारे घुटनों के साथ लग के बैठा रहूं, तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल। प्लीज डोंट बॉस मी, डोंट। हैदर, यू आर टोटल डिसअपॉइंटमेंट एज अ हस्बैंड। चंदाना, ये देखो सोफी क्यों रो रही है? तुम वहीं बैठे हुए हो, जरा देख लो हैदर, मुझे पहले ही देर हो रही है। अरे यार, फारिग थोड़ी बैठा हुआ हूँ, मैच देख रहा हूँ। मैच ज्यादा जरूरी है कि सोफी? मैं पहुँच रही हूँ, मुझे 15 मिनट दो सिर्फ। हाँ, मुझे इल्हाम थोड़ी हुआ है कि वो बेडरूम में अकेली है, उसे चोट लग जाएगी। हैदर प्लीज देख लो जरा। खुदा ना खास्ता, मुंह बुरा है तो बात तो अच्छी किया करो। तुम कितने बदतमीज और बेहस हो। अच्छा प्लीज यार, मुझे मैच देखने दो यार, हटो भाग इस। नहीं देखना तुम्हारा मैच, बहुत हो गया। I'm sick of your matches. दिन रात मैचेस देखते हो, रोए जा रही है बच्ची उस वक्त से। पता है आपको क्या मैं दबा? क्या चाहती हो कि मैं कहीं और उठ के चला जाऊं? Yes, please, चले जाएं। And don't shout at me, Heather. Don't shout at me. जहर लगते वो मर्द मुझे, जो छोटी छोटी बातों पर ना पहाड़ बना देते। खाना छोड़ के क्यों आ गए और मुंह फुला के क्यों बैठे हुए हो? जहर लगती हैं वो औरतें
स्पेशली वर्किंग वुमेन जो हर वक्त अपनी कमाइयों का जिक्र करती रहती हैं। कौन सी कमाई, किस कमाई का जिक्र किया है मैंने? देखो अगर तुम कमाती हो तो मेरे बाप के सर पे एहसान नहीं करती हो, अपनी मर्जी से कमाती हो। मैंने कभी भी तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं कहा। और ये जो वर्किंग वुमेन है इनके कॉम्प्लेक्सेस, ये हर एक के सामने बैठ के ये कहते रहना कि हम तो अजीम लोग हैं, घर भी चला रहे हैं, ऑफिस भी चला रहे हैं, और हमारे शौहर इतने घटिया हैं कि वो घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। दुनिया में लोग काम करते हैं, दुनिया में औरतें काम करती हैं, तुम ना राय का पहाड़ बना रहे हो। हाँ बना रहा हूँ राय का पहाड़, और कुछ? तुम जो मर्जी कह दो, पर्दे वाले के सामने तुम मुझे ताने दे दो, तज़लील कर लो, दैट्स ओके। वो कुछ ताने नहीं दे रहा था, मैं फैक्ट बयान कर रहा था। चौथी मर्तबा तुम ये पर्दे बदलवा रही हो, क्योंकि तुम कमाती हो इसलिए बदलवा सकती हो, और अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अच्छा प्लीज मेरे कानों के पर्दे मत फाड़ो, खुदा का वास्ता। सड़ गए थे। हेलो हेलो, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। कितना खूबसूरत है, आई एम सो गोइंग टू बाय दिस, इट्स डबल साइडेड। और ये इसका प्राइस टैग देखो, प्राइस टैग छोड़ो, इसकी खूबसूरती देखो। हां बट इट इज टू एक्सपेंसिव हैदर, प्राइस टैग्स वैक्स देखना ना औरतों का काम होता है, मर्दों का नहीं। मैं एक समझदार मर्द हूं, ये कुछ नहीं। खुशफहमी है तुम्हारी। उफ, ये वास कितना खूबसूरत है। हाँ बट we don't need it भाई। तुम प्राइस के एतबार से कह रहे हो? पागल हो? तो यूटिलिटी के एतबार से? I need it। I don't think so। बहुत है हमारे पास वार, क्या कर लें? लेकिन इस जैसा नहीं है।
बेमकसद चीजें खरीदनी छोड़ दो। हर दूसरे दिन सोफी कुछ ना कुछ तोड़ देती है। चलना सीख रही है वो, और इस उम्र में बच्चे चीजें तोड़ देते हैं तो क्या जरूरत पड़ी घर को एक्सपेंसिव चीजों से भरने की। तुम क्या चाहते हो कि मैं सारी चीजें बंद करके रखूं और एक पोस्टर लगा लूं कि हमारी छोटी सी बच्ची है तो हम डिस्प्ले नहीं कर सकते उन्हें? यार मर्जी तुम्हारी, जो तुमने करना है तुम करो, मुझसे मत पूछो। यार ये तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं लगाया? रिफत को इमरजेंसी पड़ गई थी, उसे जल्दी जाना पड़ा, खाना ही नहीं बना आज। तो क्या अब मैं क्या बाहर से कुछ ले आऊं या फिर चलते हैं कहीं खाने के लिए चलें? अरे यार जब तुम्हें पता था कि घर में कुछ खाने को नहीं है तो आदमी फोन पे ही किसी को बता देता है। मैं ऑफिस से आता हुआ कुछ लेता आता, और जब मैं घर आ गया हूं तो तुम मुझे कह रही हो कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है घर में। हैदर को इतना बड़ा इशू तो नहीं है, होम डिलीवरी मंगवा लेते हैं। शंदाना मुझे एसिडिटी हो जाती है बाहर का खाना खाकर। एक रात के वक्त का खाना होता है जो मैंने घर में खाना होता है, और अगर वो भी नहीं मिलना है, कोई मसला है तो मैं रात घर नहीं आया करूंगा, कहीं और सो जाया करूंगा। क्या है रिफत को इमरजेंसी पे जाना पड़ा था, नहीं आ सकी एक दिन? हर हफ्ते में एक रोज ऐसा होना होता है, और जब पता है कि ऐसा होना है तो इंसान इमरजेंसी के तौर पर ही कुछ बनाना सीख लेता है। मैं भी थकी हुई आई हूँ ऑफिस से, और आके मैंने बच्चा संभाला है। ऐसा कर दिया करो, आ जाया करो, बच्चा संभाल लिया करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूंगी। अगर तुम नौकरी करती हो तो ये मेरा मसला नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा है कि तुम नौकरी करो। अगर मैं नौकरी ना भी करती ना हैदर, तो तुम्हारे मुंह में मैं बुरकियां नहीं डाल सकती थी। ठीक है, आदमी जितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, सारों की तान एक ही जैसी होती है। अगर अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी ना, तो खुदा की कसम है मैं किसी वर्किंग वुमन से तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। हाँ तुम तो रिफत जैसी से करोगे। बहुत बेहतर है वो तुमसे, दोनों चीजें मैनेज कर रही है, घर भी मैनेज कर रही है और काम भी मैनेज कर रही है। तुम्हारा इतना टिक 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 सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के टाइम नहीं वेस्ट करती है, सुबह परांठे खिलाएगी। नहीं यार, इतने अरसे के बाद वो लोग आ रहे हैं, अब उनसे मैं क्या कहूँ कि वो लोग ना आए। नहीं तो ना आने को कौन कह रहा है, सिर्फ उनको इतना बता दो कि हम मरी जा रहे हैं तो हमारे आने के बाद आ जाएं। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग पहले आ जाएं और उनके आके जाने के बाद हम लोग फिर चले जाएं मरी। नहीं लेकिन मेरे अम्मी अबू के साथ एक प्लान बना था, एक महीने पहले प्लान बना था, वो वेट कर रहे हैं। तो तुम अपने पेरेंट्स को कह दो कि अपना स्केड्यूल बदल दें, उनको मना कर दो अभी आने से। सॉरी यार ये नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, फिर मैं उनको फोन करके मना कर देती हूँ। खबरदार ऐसी कोई हरकत मत करना। था तुम हर साल हॉलीडेज से पहले ना कोई इशू जरूर बनाते हो। इशू मैं नहीं बना रहा हूँ, इशू तुम बना रहे हो। अगर तुमने अपने अम्मी अबू को बुलाना था तो तुम मुझे बता देते, मैं अपने पेरेंट्स के साथ प्रोग्राम ना बनाती। देखो फर्ज करो कि मेरे पेरेंट्स ना आ रहे होते, कोई गेस्ट ही आ रहा होता, क्या हम उसको भी यही कहते कि भाई तू अभी ना? वो और बात होती। अब क्या और बात होती? यू नो व्हाट, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अम्मी अब्बा से? डोंट बी सो मीन इधर। आई एम नॉट अ टिपिकल बहू, मैं कहीं से टिपिकल बहू नहीं हूँ, और वो मेरे फूफा और फूफी है, मेरा दोहरा रिश्ता है उनके साथ। दोहरा रिश्ता है इसीलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें हो क्या रहा है, क्या हो रहा है तुम्हें? ये तुम्हारी आदत बन गई है नेगेटिव पॉइंट्स निकालने की, बस मुझे विलेन साबित करना किसी को। मेरी आदत हो गई है? खुदा का वास्ता है, अपनी हरकतें भी देखो, तुम्हें भी बड़ा शौक है सबके सामने प्रोपेगेंडा करने का। तुम्हारा शौहर जो है वो निहायत बुरा आदमी है, और तुम एक अजीम नेक प्रवीण किस्म की खातून। प्रोपेगेंडा किसके सामने मैंने प्रोपेगेंडा किया? ये भी तो फैसल के घर में क्या? मैं मजाक कर रही थी, मैं मजाक नहीं कर सकती। मजाक था तुम्हारा? मैं मजाक भी नहीं कर सकती। मजाक था, अगर वो मजाक था तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हारे साथ मजाक किया करूंगा, सबके सामने किया करूंगा। तो कर लो मजाक, ये करो मजाक, कौन लोग? आई हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर? आई हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। यू नीड हेल्प, 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 यू नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट। एंड अपने साइकियाट्रिस्ट का नंबर भेज दो ना मुझे, मेरा तो वेट है। शुक्र आप मानते तो हैं कि आपको वेटरनरी डॉक्टर की जरूरत है। हां तुम्हारे साथ रह रहे के बिल्कुल जानवर हो गए हो। बस करो प्लीज हैदर, बस करो, जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप इट, यू नो, जस्ट स्टॉप इट, यू स्टॉप इट, यू स्टॉप इट। You want the last word? Take it. It's yours. तुम्हारी मम्मी की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। खूब मजा किया था सबने। माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया था सबने। आज तक जिक्र करते हैं।